नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हां साथियों, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता दें, कमलनाथ ने कहा बीजेपी के कई नेता संपर्क में बोले भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि माफी मांगो यात्रा ही निकालनी चाहिए। जी हाँ साथियों, इन सभी खबरों के साथ बने रहिए न्यूज के साथ। और अगर आप चैनल पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उससे जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि माफी मांगो यात्रा ही निकालनी चाहिए। नीमच में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश में चौपट सरकार, चौपट राज चल रहा है, अब एक घोटाला प्रदेश बन गया है। आज प्रदेश का हर व्यक्ति तथा भ्रष्टाचार का शिकार भी दिखाई दे रहा है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है उसके बाद ही उसे उन्हें असल में रेड कार्ड बनाना चाहिए। जी हां साथियों, उन्होंने कहा कि कमलनाथ अब 2018 के नहीं बल्कि 2023 के मॉडल हैं और हम जनता की भलाई के लिए हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध। वही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई बीजेपी नेता उनके संपर्क में भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन संगठन की सहमति से ही किसी को भी कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे भाई आपको बता दें कि हमने 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की तो CM शिवराज ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की ही बात कर दी है। जी हां साथियों, वहीं आपको बता दें 18 सालों में भ्रष्टाचार, महंगाई और घर में शराबी ही दिखाई दे रही है। लगभग 20% लोगों को ही मिल रहा है राशन। जी हां साथियों, और फसल बीमा मात्र 15 से 20% लोगों को ही दिया जा रहा है। जैसा कि वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने नीमच जिले के एक छोटे से जिले में 50,000 किसानों का भी कर्ज माफ किया था। जैन साथियों, अगर सरकार भी नहीं बनाई गई थी। जी हां साथियों, इसके साथ हम आपको बता दें, क्या मध्यप्रदेश में बीजेपी की कांग्रेस सरकार बन सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जैन साथियों, वीडियो चलिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।